हेलो एवरीवन, और आज का जो व्लॉग है वो पूरा मेरे बेबी का जो बात रूटीन है, ठीक है, उसका व्लॉग है। तो इसमें बेसिकली एक प्रोडक्ट रिव्यू भी है, ठीक है, जो मैंने प्रोडक्ट फर्स्ट क्राई से लिया था, जो उसका बाथटब है। तो जब मैं फर्स्ट क्राई में गई थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, मैं पहले दूसरा प्रोडक्ट लेने वाली थी, मैं ये नहीं लेने वाली थी, लेकिन थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने मेरे सामने जो वहाँ पे स्टोर में, क्योंकि हम फर्स्ट क्राई के स्टोर में गए थे, ऑनलाइन नहीं लिया था, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना कि मैं बीवी के साथ गई थी फर्स्ट क्राई में, जब हमने इसके लिए प्रैम लिया था, तभी मैंने बाथटब भी ले लिया था। तो जब मैं बाथटब ले रही थी तो मैं दूसरा वाला फैंसी वाला जो आजकल आ रहा है, मैं पहले वो लेने वाली थी, ठीक है। मैं कोई वैसे उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जैसे होते हैं ना कि इंडियन फैमिलीज में ज़्यादातर बच्चों को पैरों में नहलाते हैं, ठीक है, इसको भी नहलाया गया है शुरू में, पर मैंने कभी नहीं नहलाया क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा डर लगता है। हालांकि वो बहुत अच्छा तरीका है, तो मुझे लेकिन उसमें डर लगता है, इसलिए मेरे को था कि मैं बाथटब में ही नहलाऊंगी। तो डेली मैं इसको नहलाती हूँ, ठीक है। तो मेरी मदर ने उनसे, जो वहाँ पे स्टोर में काम कर रहे थे, उनसे पूछा कि ये मटेरियल क्या है, इसको सूखने में कितना टाइम लगता है। तब उन्होंने फ्रैंकली बोला इसको सूखने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे धूप में। जब हमने ऐसा सुना तो मैंने कहा 2 दिन, तो मैंने कहा यार इतना टाइम और ये गीला पड़ा रहे, और अगर उसका मटेरियल ऐसा है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक गीला रहता है, तो पहली बात तो ऐसी चीज़ में बच्चे को नहलाना डेली डेली नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने मतलब उसका जो टब था वो मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ जब तक ये छोटा है बच्चा तब तक ही यूज़ आएगा, तो इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट नहीं दिया, जबकि मैं पहले पूरा वही प्रोडक्ट देने वाली थी। मेरी मदर ने जो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का बार-बार की बुराइयाँ की, ठीक है, और उस स्टोर वाले ने भी बोला कि हाँ, इस अकॉर्डिंग तो मैं भी मानता हूँ कि उसी स्टोर का एक दूसरा जो नॉर्मल टब था बच्चों के लिए, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया, वो नॉर्मल टब था, वो उसने खुद बोला कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उस टब में क्योंकि बच्चा अभी बैठ नहीं सकता है, ठीक है, इतना छोटा है, तो बैठ के नहलाना तो मुश्किल है, तो उसमें एक और प्रोडक्ट मैंने लिया, ठीक है, जो एकदम स्लांट करके आ जाता है, ठीक। तो अब मैं ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू कीजिए, जिसमें वो पूरा जो बात रूटीन है मेरे चाइल्ड का वो है, और मेरा बच्चा इतनी खुशी से नहाता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं रोता है, मतलब टचवुड, ठीक है, बिल्कुल नहीं रोता है। मेरी बीबी को नहाना बहुत बहुत पसंद है, वो उल्टा खेलता है नहाते हुए, आपको भी वीडियो में देखना, मतलब वो इतना इंजॉय करता है। और जब नहीं नहाता वो थोड़ा क्रैंकी सा हो जाता है, बीच में उसकी तबीयत खराब हुई थी तो हमने उसको नहीं नहलाया था, तो इतना क्रैंकी सा था कि हमने फिर उसको सोचा कि नेक्स्ट डे ही नहला देते हैं, मतलब वो ठीक होती हो गया था, लेकिन होता है ना कि तबीयत ठीक होने के बाद भी कभी कभी हम 2-3 दिन स्किप कर देते हैं, बट उसने मौका नहीं दिया स्किप करने का। और वैसे भी उसकी तबीयत जो थी वो थोड़ा सा गर्मी की वजह से ही ख़राब हुई थी, तो फिर हमने इसलिए उसको नहलाया और वो खुश था, लेकिन नहा धो के मैं उसके मतलब फीड करने के बाद वो सो जाता है, और उसके बाद जो वो नींद लेता है वो इतनी लंबी नींद लेता है, इतनी अच्छी नींद लेता है, क्योंकि बच्चे को भी बहुत फ्रेश महसूस होता है। तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेरा बेबी है, ठीक है, नहाने से पहले जब मैं इसके नहाने की तैयारी वगैरह कर रही होती हूँ, ठीक है, चेक करती हूँ कि अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर का वाटर है, ठीक है, सारी चीज़ें जब मैं इसकी रेडी कर रही होती हूँ, तब तक मैं अपने बेबी को इसमें जो रॉकर है इसका, इसमें बिठा देती हूँ, ठीक है, और ये बहुत कूलली इसमें बैठा रहता है। ये वीडियो भी मैंने शूट की थी ना, तब थोड़ी सी ठंड थी, ठीक है, मतलब इस वीडियो को शूट किए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये थोड़ा विंटर था उस टाइम पे, तो फिर मैं इसके कपड़े जो थे ये चेंज करती हूँ, ठीक है, बस एक कपड़े चेंज करते टाइम, ये पहनाते टाइम है जब ये थोड़ा सा नाटक करता है, ठीक है, रोता नहीं है, बस नाटक करता है, जो बच्चे करते हैं ना थोड़ा सा करके, ठीक है, कपड़े चेंज करना नहीं पसंद है, पर इसे नहाना और मालिश करवाना बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे बिकॉज थोड़ी ठंड थी तो इसलिए 2 लेयर ऑफ कपड़े हैं, लेकिन अभी अगर मैंने ये वीडियो शूट किया होता तो ये सिर्फ टी शर्ट और निकर में होता। तो इसके जो कपड़े सब निकालने के बाद, ठीक है, मैं इसको ये इसका बाथटब है, ठीक है, यही है जो मैंने फर्स्ट ट्राई से लिया था, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा बाथटब है जो इसको आई थिंक 5 ईयर्स की एज तक आ ही जाएगा आराम से, जिसमें ये बैठ के नहा सकता है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर है ये बच्चे का बेसिकली बॉडी का शेप ले लेता है, और बच्चा जो है इसमें मतलब नीचे नहीं जाता, ये जो चीज़ है इसके वजह से बच्चा उसमें रुका रहता है, और उसके हैंड्स भी ऐसे साइड में रख के ईजिली मैं उसको नहला पाती हूँ। बस ये प्लास्टिक का है इसलिए मैं इसमें एक टॉवल बिछा देती हूँ, जिससे कि बच्चे को ये चुभे ना। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इजली जो टॉवल है ये इसमें आ गया है,
और इसको पूरा मैंने प्लास्टिक का कवर कर दिया है जिससे ये मेरे बेबी को ना चुभे। और अब मैं अपने गप्पू को लेके आऊँगी, इसमें नहाएगा वो। आप देख सकते हैं जैसे उसको पता चलता है कि नहाने वाला है, ठीक है, वो खुश रहता है। मतलब जैसे कई बच्चे रोने लग जाते हैं नहाने के नाम से, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका डायपर जो है मैं बाथटब में निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि डर लगता है कभी कभी, ये जैसे बच्चे होते हैं ना डायपर निकालते कई बार वॉशरूम कर देते हैं। और इसका पानी का टेम्परेचर चेक करके मैं इसको फिर नहलाती हूँ, ठीक है। ये खुश रहता है नहाते टाइम, इसके फेस पे मैं बहुत आराम आराम से साबुन। ये जो वीडियो है ये मैंने बहुत लंबी नहीं बनाई है, पूरा नहाने का वीडियो नहीं है ये, ठीक है, बैक साइड में नहाना ये वो, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है बच्चों को लेके कि आप जो है उनको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिखा सकते विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, वो इसे अच्छा नहीं मानते हैं और वीडियो में भी कई बार स्ट्राइक लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने क्यूटली इतने प्यार से खुश हो के नहा रहा है, ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी नहीं ये तंग करता मुझे नहाते टाइम, ठीक है। आप देख सकते हो स्माइल कर रहा है, तो आप वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ये बिल्कुल भी जैसे तंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, इसको साबुन लगा रहे हैं, इसका सर धो रहे हैं, इसका कान साफ़ कर रहे हैं, इसको कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं है, उल्टा ये बहुत इंजॉय करता है। और ये वीडियो जब शूट हो रही थी तो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, और क्योंकि ये बड़ी मतलब इसमें बड़ा प्यारा सा लग रहा था, इसलिए हमने मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक बात व्लॉग ही बना दूँ अपने बेबी का, ठीक है। और इसको नहलाने के मतलब प्रॉपरली नहलाने के बाद मैं इसको मसाज करती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा विंटर का है इसलिए इसको मैं ऑयलिंग जो है बाद में करती थी, लेकिन समर्स में मैं ऑयलिंग पहले करती हूँ और उसके बाद इसको नहलाती हूँ, ठीक है। तो ये विंटर का है तो इसलिए इसको बाद में मैं ऑयल लगा रही हूँ। मैं ऑयल बहुत अच्छे से लगाती हूँ, बट सिंस क्योंकि ये मैंने ही रिकॉर्ड किया है तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से मैं कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है इसके मालिश की, थोड़ी सी ही बनाई है। और अब ये रेडी नहीं हुआ है, मतलब इसको और भी मैंने कपड़े पहनाए थे और उसके बाद इसको फीड करके मैंने सुला दिया था, ठीक है। ये इसका डेली का रूटीन है, ठीक है, इवन समर्स में भी इसका डेली का रूटीन है कि बिटवीन 9 to 10 ये नहा लेता है, ठीक है, और उसके बाद सो जाता है। और इसके सोने के बाद मैं जब वॉशरूम है, ठीक है, उसको क्लीन करती हूँ, ठीक है, इन दोनों को हटा देती हूँ। इसमें यहाँ पे एक वेंट भी है जिससे पानी बाहर बह जाता है, ठीक है, और जब ये पानी पूरा इससे निकल जाता है, ठीक है, तो मैं इसको उल्टा करके फिर सुखाने के लिए रख देती हूँ और मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वॉशरूम में सूख जाता है।